बच्चों। अच्छा बच्चों, हम लोग रेशम के कपड़े पहनते हैं, तो बच्चों ये बताइए रेशम का धागा किससे मिलता है हम लोगों को? रेशम के कीड़े से। अच्छा बच्चों, ये जो हम लोगों को धागा मिलता है रेशम का, कैसे मिलता है? इनका जो रेशम का कीड़ा होता है, इसका जीवन चक्र क्या है, ये हम आज आपको बताएंगे। तो बच्चों, ये जो रेशम के कीड़े होते हैं, ये कहाँ पाले जाते हैं? या तो सहतूत का पेड़ होता है, या अरंडी, या एक पेड़ होता है ओ जिसको बोलते हैं, उस पर ये कीड़े पाले जाते हैं। तो होता क्या है बच्चों, जो रेशम का कीड़ा होता है, ये देखिए सहतूत की पत्ती होती है, उस पर सैकड़ों अंडे देता है, ठीक है? और अंडों से क्या होता है बच्चों, सफेद रंग का लार्वा निकलता है। इस लार्वा को बच्चों कैटरपिलर भी बोलते हैं और इल्ली भी बोलते हैं। अब होता क्या है बच्चों, जो लार्वा होता है वो अंग्रेजी के आठ कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। तो देखो बच्चों, जो लार्वा होता है अंग्रेजी के जो अक्षर आठ होता है उसमें आगे और पीछे की ओर गति करते हुए किसमें बदल जाता है, रेशम के रेशे में। और इसी बीच बच्चों जो लार्वा होता है वो किसमें बदलता है, प्यूपा में। अब बच्चों, जो रेशम का रेशा था, वो जितने भी प्यूपा होते हैं प्रत्येक प्यूपा के ऊपर लिपटे रहते हैं। फिर होता क्या है बच्चों, ये जो प्यूपा होता है ये एक गोल सफेद संरचना के अंदर बंद हो जाते हैं, ठीक है? और इस संरचना को क्या बोलते हैं बच्चों, कोया या कोकून। अब होता क्या है बच्चों, ये जो प्यूपा इसके अंदर बंद था कोकून के अंदर, उसी के अंदर विकसित होता रहता है और किसमें बदल जाता है, वयस्क रेशम कीट में। अब बच्चों ये क्या करता है, जो वयस्क रेशम कीट होता है वो, अब कोकून इसके अंदर बंद था ना, तो कोकून को काटते हुए बाहर निकल जाता है रेशम कीट ये, और फिर से क्या होता है बच्चों, अपना नया जीवन चक्र शुरू करता रहता है। इसी तरीके से बच्चों क्या होता है, इनका जीवन चक्र चलता रहता है। तो आया बच्चों समझ में?